स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। नंबर एक भौगोलिक कारक थे, नंबर दो आर्थिक कारक थे। आज हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, अर्थात कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक रूप से प्रसिद्ध होते हैं, या यूँ कहिए एक धार्मिक स्थान अधिक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या दर या जनसंख्या अधिक होती है। जैसे हरिद्वार, अयोध्या या हमारे जो प्रसिद्ध हैं अमृतसर इत्यादि ऐसे स्थान जहाँ पर जनसंख्या दूसरे स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, और कई बार इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे युद्ध काल के समय सीमावर्ती जो इलाके होते हैं वहाँ से जनसंख्या का पलायन हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या वो विरल हो जाती है। अब बात आती है हमारी जनसंख्या वृद्धि की। अब जनसंख्या वृद्धि क्या किसे कहते हैं, यानी समय के किन्हीं भी दो अंतरालों के बीच में किसी एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह जनसंख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी भी स्थान पर इस समय अंतराल के बीच यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है वो धनात्मक हो गई, परंतु कई बार किसी एक विशेष महामारी जैसे कोरोना जैसी महामारी या युद्ध काल या अन्य कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक हो जाती है। अब बात आती है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक मुख्य माने गए हैं, नंबर एक जन्म, नंबर दो मृत्यु और नंबर तीन प्रवास। यानी किसी भी स्थान पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अर्थात प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे जन्म लेने वाली जो औसत संख्या होती है वो वहाँ की जन्म दर कहलाती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक 1000 बच्चों के पीछे मरने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो ये दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। यदि जन्म दर ज़्यादा होगी मृत्यु दर कम होगी तो वहाँ निश्चित ही जनसंख्या बढ़ेगी, पर कई बार युद्ध काल प्राकृतिक आपदाओं या महामारियों की वजह से जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है। तीसरा कारक होता है प्रवास। अब प्रवास का मतलब किसी भी एक स्थान से उठकर जनसंख्या का दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास या माइग्रेशन कहलाता है। अब प्रवास अप्रवासी भी हो सकता है और उत्प्रवासी। अप्रवास किसी स्थान से उठकर उस स्थान पर आने वाली संख्या अप्रवासी कहलाती है। इस अप्रवास के कारण लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है, परंतु कई बार विशेष परिस्थितियों के कारण जनसंख्या का उस स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या के अंदर कमी भी आ जाती है। धन्यवाद।